हेलो दोस्तों, आई मैं कुलजीत आर और आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता क्या है, फर्स्ट एड के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, एम्स होते हैं और गोल्डन रूल होते हैं फर्स्ट एड के, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके लिए तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसे समझाती हूँ कि डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड, डेफिनेशन क्या होती है फर्स्ट एड का, जो डेफिनेशन होती है वो उसे पंजाबी में आपको सुनाती हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो मेरे साथ ये ध्यान से पढ़ो। इन इट इज एन इमीडिएटली ट्रीटमेंट गिव टू इल एंड इंजर विक्टम before the arrival to doctor, before shifting to victim to the hospital। इसका मतलब है कि बहुत ही जल्दी उसको ट्रीटमेंट, इट इज़ ए इमीजिएटली ट्रीटमेंट, कि सब बहुत ही जल्दी इमीजिएटली तुरंत होता है। गिवन टू द इल और इंजर्ड, जेड़ा कि कोई इंजर्ड है या कोई इल है, विक्टम है, जो कोई भी विक्टम हो सकता है, बिफोर टू अराइवल डॉक्टर दे जान, बिफोर डॉक्टर को जान तो पहला, बिफोर शिफ्टिंग टू विक्टम टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल दे शिफ्ट होने तो पहला जिहड़ी आपां नूं सहायता दिंदे आ। इट इज़ ए गिवन बाय वन परसन हू हैव नॉलेज रिगार्डिंग फर्स्ट एड, मतलब कि जिहड़ी आपां उन्हूं सहायता दिंदे आ, किसी एक आदमी दे द्वारा दित्ती जांदी आ, जिहड़ा कि फर्स्ट एड दी नॉलेज रखदा है, उसनूं की आखदे आ, डेफ नॉलेज है, वो एक नॉलेज दित्ती जांदी आ फर्स्ट एड, उसनूं कहिंदे आ कि एक आदमी द्वारा किसी नूं कोई सहायता कीती जांदी है डॉक्टर दे आउण तों पहलां ते हॉस्पिटल नूं पहुँचाउण तों पहलां, उसनूं की कहा जांदा है फर्स्ट एड, किसी की जान बचाने लिए जो भी नॉलेजफुल सहायता की जाती है उसनों की उसका नाम होंदा है फर्स्ट एड। एम्स की है, एम्स ऑफ द फर्स्ट एड, एम्स वो की है, वो मंतव की है, टू प्रोवाइज द लाइफ, वो जी लाइफ उन्हें सिक्योर करना, टू एज द पेन, वो जी दर्द उन्हें घटाना, टू प्रमोट रिकवरी, ओदी मतलब ओदी जे कोई भी चीज़ टुट भज गई आ उनू भी आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते फर्स्ट एड वाले भी, मतलब कि उन्हें थोड़ा जा जिवें हुण किसी की बांह लौंग करी है उन्हें थोड़ा जा आप बन देंगे जां कुछ भी रिकवर कर देंगे, टू प्रिवेंट वॉजनिंग एंड द कॉजली जनरल कंडीशन। हाँ हुणे कि मैं जिवें दस्या कि कोई भी जनरल कंडीशन दे विच उहनूं आपां कैजुअली करांगे, उहनूं मेनटेन करांगे, टू लिमिट द इफेक्ट ऑन कंडीशन, मतलब कि उहदी उस कंडीशन नूं आपां इफेक्ट करांगे, टू अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट टू कैजुअलिटी टू द नियर मेडिकल एड इफ रिक्वायर्ड, मतलब कि उन्हों आपां अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट, वो आप किसी साधन का इंतजाम करांगे, कैजुअलिटी द नियरली मेडिकल एड्स इफ रिक्वायर्ड, मतलब कि उन्होंने जोड़ी जरूरत होंगी नेड़े दे हॉस्पिटल आप शिफ्ट करांगे, टू मेक द विक्टिम इज कंफर्टेबली एज पॉसिबल टू कंसर्व स्ट्रेंज बाय गिवेंस सिम्फोमैटिक केयर। अगे आ गया प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, ये प्रिंसिपल्स की है, अगे आप पढ़ते हैं, एक्ट क्विकली बट क्वाइटली, मतलब कि एक्ट क्विकली, जल्दी एक्शन आप जल्दी लेना ते पर बट क्विकली सावधानी ना लेना है, टेक प्रॉपर हिस्ट्री टू प्रॉपर्टी वाइज केयर, आप जी मतलब कि हूँ आपू
भी इस तरीके ना नजिठना कि आप भी वेद फस ना जाइए टू के प्रॉपर हिस्ट्री वो आप प्रॉपर हिस्ट्री लवेंगे भी की होया की नहीं जे कोई नहीं बोल सकता ज कुछ भी फिर आप चेक भी सकते हैं। एयरवे आलवेज रिमेन विद द कैजुअलिटी। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ता जो बहुत वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है एक्सप्लेन करन ते। अगे डू नॉट हैंडल कैजुअली इन हरी एंड इन वरी। चेक द पेशेंट एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ए बी सी ओदा चेक करना एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। गेन कॉन्फिडेंट ऑफ इंजर्ड उनू कॉन्फिडेंट दे विच करना है। वर्क ऑनेस्टली एंड डू नॉट डू एनी एक्सपैरीमेंट। आप किसी के उत्ते कोई एक्सपैरीमेंट नहीं कर लग जाना कि आप कुछ जानते हैं माड़ा माड़ा जहा कुछ जानते हैं तो आप दब दब वो जान के नाल खेडन लग जाइए वो एक्सपैरीमेंट नहीं करना ठीक है। उन्होंने जल्दी तो जल्दी हॉस्पिटल ही पहुँचा है। टैल द रैलिटीज ट्रूथली बट सीरियस ऑफ कैजुअलिटी। वो आप रैलेटिवज़ में मतलब कि दसना टैल द रैलेटिवज ट्रूथली उन्होंने सच सच बताना बट कैजुअली भी एकदम किसी को शौक वगैरह भी ना लग जाए। रिस्क विक्टिम एंड रैलेटिवज ट्राई टू फाइंड आउट द केस एंड इंजर्ड इलनेस एंड मूव पेशेंट फ्रॉम दैट कॉजिट टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉम्प्लीकेशन। ट्राई करना कि उन्होंने अग बिकॉज इट ऑफ इंजर्ड है जोड़ा इनलैस मूव पेशेंट है उन्होंने अगे कोई परेशानी ना आए। ऑब्जर्व पेशेंट केयरफुली फॉर अर्ली साइन ऑफ शॉक। मतलब कि उन्होंने जल्दी जल्दी वो कराओ भी रैफर कर दो केयरफुली भी मतलब कि वह कितने शौक वगैरह वह ज़्यादा खून खाना बह जाए तो वह कद शौक दे ना चलिया जाए। डू नॉट लैट द वाइड गार्डर अराउंड कैजुअलिटी। अगे मेन है जो वो सब जानते हैं गोल्डन चांस गोल्डन होते हैं जो गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। तो गोल्डन रूल कौन होते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल का मेन जो होता है ए बी सी होता है। डू फर्स्ट थिंग क्विकली क्वाइटली एंड विदाउट हरी। लूत लूत नहीं करनी ज़्यादा। डू फर्स्ट मतलब कि डू फर्स्ट क्विकली क्वाइटली एंड हरी। पैनिक नहीं होना चिंता नहीं करनी घबराना नहीं है। पैनिक विदाउट पैनिक पैनिक का मतलब होंगे घबराना। हाँ रीश्योर द कैजुअलिटी एंड रिलेटिव्स सिंपैथेटिकली। मतलब उन्होंने हौसला देना उन्होंने रिलेटिव्स नू। इट इज़ द बेटर फॉर द फर्स्ट एडर टू फॉलो द डिवाइस स्लोली। रीच द एक्सीडेंट स्टॉप क्विकली। लुक द फॉलोइंग एग्जाम्पल ए बी सी। सब तो पहला मेनटेन वह की करना ए करना एयरवे वेखना कि प्रॉपर तरीके ना उनू सा वगैरह आ रहा है उदे दुआले कोई कट वगैरह तो नहीं मार के बैठा। तो नैक्सट इज़ द ब्रीथिंग उदी जिहड़ी ब्रीथिंग आ सा मतलब कि देखना वो चंगी तरह सा वगैरह एयरवे तो भी मतलब उन्होंने घुटन वगैरह तो नहीं महसूस हो रही भी आसे पासे बाला कट तो नहीं। ब्रीथिंग वो सा वगैरह चेक करना तो सर्कुलेशन भी उ चीज़ होंगी आ। फर्स्टली मेनटेन द क्लीयर एयरवे सो द पेशेंट वाज नॉट एस्पिराइट एंड सैक्शन। गिव साइड ले पोजिशन सो दैट रैक्शन कम आउट।
suddenly treat the breathing start artificial respirator जे उन्हों कोई breathing दे वेच problem होती हाँ हुंदी है ता artificial respiration immediately देना है if breathing stop जे उदी breathing है जड़ी उदी सावासना लिया वो बंद हुंदी ता तो उन्हों CPR दो CPR दा मतलब artificial respiration थर्ड ट्रीट द सर्कुलर सर्कुलेशन मेंटेनिंग इनटेक आउटपुट ऑफ द पेशेंट की भी मतलब कि वो इनटेक किन्नी ले रहा है आउटपुट किन्नी बाथरूम वगैरह आउटपुट हुंदी है तो इनटेक जड़ा भी आपा भोजन वगैरह लेने हैं वो इनटेक हुंदी है गिव फ्लूइड द पेशेंट और मेंटेन फ्लूइड एक्स्ट्रोलाइट बैलेंस अवॉइड हैंडिंग द कैजुअलिटी अनसर्सरी इंसेप्ट द एरिया around the casualty if the cause is the accident too still there try to remove like ways resolve the casualty by giving psychology support of the casualty video बहुत लंबी हो रही है मैं जल्दी जल्दी ना पढ़ रही हूँ give comfortable position to the casualty the first elder should use the resourceful example use the cloth inserting the baggage if not represent the first aid should shift the patient at pace example if the patient feeling suffocation in the room shift the patient in ward agar onu koi suffocation ho rahi hai room de vich ghutan mehsoos ho rahi hai ta then is the onu shift karo ward de vich improve the relatives about the accident or illness the name of the place and where our casualty is bas enne hi karne hai golden chances video वधिया लगी तो चैनल नू सब्सक्राइब करो इहोजियां होर सारियां नर्सिंग दे रिलेटेड वीडियो तो अडे लई लेके आवांगे प्लीज़ चैनल नू सब्सक्राइब करो लाइक करो ते वीडियो नू दूजे नाल शेयर करो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो